अज्ञान का जो अंधकार है ना, वो पाप का मूल माना है। यदि कोई पाप कर्म में रत है तो समझना कि उसे ज्ञान नहीं मिला, उसे कोई समर्थ संत नहीं मिला, उसे कोई सदगुरु नहीं मिला। यदि सदगुरु मिला होता, कोई समर्थ संत मिला होता, ज्ञान मिला होता, तो उनसे पाप कभी भी नहीं होता। हमसे पाप ना हो इसलिए एक ही चीज काम लगेगी, ज्ञान। लेकिन भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन ज्ञान मार्ग जो है वो बिल्कुल निष्पाप होने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बिल्कुल सलामत मार्ग नहीं माना है। ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, वो सभी शास्त्रों ने कहा। भगवान कृष्ण ने तो ये भी कह दिया भगवत गीता में कि ज्ञानी दौड़ के मुझको मिल जाता है, लेकिन वो ज्ञान अहंकार से मुक्त होना चाहिए। ज्ञान में बड़ी तकलीफ यह है कि ज्ञानी में अहंकार आने की संभावना है। जब ज्ञान में अहंकार आ जाए तो ज्ञानी का जो मूल्य है वो बिल्कुल कम हो जाता है, ज्ञान का जो मूल्य है वो कम हो जाता। भगवान कृष्ण के साथ रहने वाला उद्धव इतना बड़ा ज्ञानी था। भागवत जी के दशम स्कंध में बयान मिला है, उद्धव बुद्धिसत्तम, यादवी बड़ा बुद्धि सत्तम है, बड़ा परम देवताओं की पंक्ति में बैठ करके उसने स्वर्ग में बृहस्पति के पास अभ्यास किया हुआ था, लेकिन जब तक गोपियों का आशीर्वाद उसने नहीं पाया तब भगवान कृष्ण की सच्ची पहचान उसको नहीं हुई। ये ज्ञान जब तक भक्ति के रंग से रंगा नहीं, भक्ति बहुत अद्भुत चीज है। मेला जब लगता है ना, बहुत बड़ा मेला जैसे भी मेला लगा है अध्यात्म का, हाँ हमारे महाराज जी की सब लीला चल रही है, तो ये जब बड़ा मेला लगता है ना तो छोटे बच्चे खो जाते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा खो गया, बहुत मानव संख्या इकट्ठी हुई और मेला लगा है, छोटा बच्चा खो गया, तो फिर उसमें दोष किसका? वो बच्चे की माँ का या पिता का या स्वयं बच्चे का? कोई बच्चा खो गया मेले में तो किसका दोष? आप लोग किसका दोष मानते हैं, माँ का, पिता का या बच्चे का? माँ का? बिल्कुल नहीं, माता पिता दोषी है ही नहीं, जो खो गया है वो भी दोषित है। क्यों खो जाए? यदि वो बच्चा होशियार होता तो अंगुली पकड़ के रखता अपने पिता की, यदि होशियार होता। लेकिन देखो, पिता की केवल अंगुली पकड़ना वो भी सलामत नहीं, क्योंकि पिता पुरुष है और ये मेला लगा है, कोई जान पहचान वाला मित्र मिल गया तो हाथ मिलाने जाएगा तो छोड़ देगा, पिता का भरोसा नहीं होता, कब छोड़ दे। ज्यादा होशियार बच्चा वो अपने माँ के पहलू को पकड़ के रख, एक हाथ से अंगुली पकड़ेगा और दूसरे हाथ से माँ का पहलू पकड़ेगा। यदि पिता छोड़ के चला जाए तो कोई तकलीफ नहीं, माँ का पहलू हाथ में हो, आप कभी गुमराह नहीं हो सकते। ये भक्ति की महिमा, जिसने भी भजन किया, जिसने भी भक्ति की, तैर किनारा उसको मिल गया। चीज मानव को बहुत परेशान करती है, संसार के दुख और किए हुए अपने पाप, उनके उनमें से छूटने के लिए भागवत ने दो उपाय बताए। बिल्कुल सरल उपाय है, कोई बड़ी बड़ी बातें भागवत जी ने नहीं की, केवल प्रभु को प्रणाम करो और उसके उसके नाम का कीर्तन करो। भागवत जी का बिल्कुल अंतिम मंत्र जो है, बिल्कुल अंतिम मंत्र इस बात का प्रतिपादन है, नाम संकीर्तनाय सर्व पापो प्रणाशनम, सर्व पापो प्रणाम दुख शमनम, प्रणाम दुख शमनम, स्तन नमामि हरि प्रणाम। क्या बात, केवल प्रणाम करने से, केवल प्रणाम करने से, जहां भी भगवान की मूर्ति देखो, जहां भी संत देखो, जहां भी सदगुरु देखो, वहां प्रणाम करो, दुख का शमन हो जाएगा। समझ गया।